अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप लोगों का आरके किचन एंड व्लॉग में। फ्रेंड्स, चलिए हम बनाते हैं चिकन दम बिरयानी, जिसके लिए हमने 3 किलो चिकन ले लिया है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक और इसमें 1 नींबू का रस मिला के रख दिया है। 1 बड़े पतीले में ऑयल हीट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले और उसमें ढेर सारा प्याज बारीक कटा हुआ। वो भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारे टमाटर बारीक कटे हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत सारी हरी मिर्च और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भुनेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे कोथमीर और पुदीना के पत्ते और इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला 2 पैकेट, क्योंकि हमारा चावल भी 3 किलो है और हमारा चिकन भी 3 किलो है। चावल को हमने भीगने के लिए 1 घंटा रखा था, अब हम इस बॉयल कर रहे हैं और इसका पानी हम बॉयल होने के बाद निकाल देंगे। अब हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता और ये ब्राउन कलर का नहीं दिखने लगता। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे इस मिक्सचर में जिसमें हमने कांदा टमाटर दही वगैरह मिक्स किया था। उसे भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कांदा जिसे हमने फ्राई करके ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल जो हमने बॉयल करके लिया था और इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी हमने हल्का सा इसमें ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि चावल हमारे सॉफ्ट रहें और इसके बाद हमने बाकी के चावल इसमें ऐड कर देने हैं। दूध में हमने कलर मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम ये लेग पीस हमने अंदर नहीं रखा ताकि ढूंढते वक्त थोड़ी तकलीफ़ होती। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए कांदे और इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा कोथमीर और पुदीना जो हमने बारीक चॉप करके ले लिया है। इसे ऐड करने के बाद हम अब इसको अच्छे से दम लगने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे दम लगने के लिए। इधर हमने कोयले को गरम कर लिया है और इसे हम कटोरे में रख के जो बिरयानी हमारी दम लग रही है उसमें ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर वाकई बहुत अच्छा था और इसका टेस्ट बहुत अच्छा, सबने बहुत तारीफ़ किया और सबने बहुत अच्छे से खाया। हमने 3 kg चावल लिया था और 3 kg हमने चिकन भी लिया था। आप लोग भी ज़रूर बनाएं चिकन दम बिरयानी, ये वाकई बहुत टेस्टी बनाया था। चलिए अब हम बनाते हैं दही का रायता, जिसके लिए हमने बारीक कटी हुई टमाटर प्याज और ककड़ी ले लिया। इसमें कोथमीर के पत्ते भी हैं। हम इसे ऐड करेंगे दही में और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम नमक। आप चाहें तो इसे राई और लाल भूखी मिर्च का तड़का भी दे सकते हैं कड़ी पत्ते के साथ, और चाहें तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से फैमिली टाइम इन्जॉय किया। आज आतिफ़ का बर्थडे था 23 नवंबर को, जिस दिन हमने ये चिकन दम बिरयानी बनाया था। ये वाकई बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था, सबने बहुत अच्छे से खाया और इन्जॉय किया। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह न्यू वीडियोस या व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।